श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज के वीडियो का टाइटल है नबी साह की गुस्ताखी करने वाले लोग कौन होते हैं। बेस्ट रिप्लाई टू नूपुर शर्मा। ओ अच्छा, चलिए नूपुर शर्मा, नूपुर शर्मा वाला जब हुआ था तो उसके उस टाइम की वीडियो आई थिंक ये सुनते हैं क्या कहा था ना उस टाइम। और बयान है बाय अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी का, तो सुनते हैं बहुत से इनके फनी बयान होते हैं। देखते हैं कि ये ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है कि अगर ऐसा बयान है तो क्या इसमें वो पूरा फनी वाला जो एक नेचर है वो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। लेट्स सी, तो इसको सुनते हैं। सो करें प्ले। तुल्लिम बाद अजाली का जनीम वाली आयात, मुसलसल 10 आयात नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब नाजिल हुई, उस वक्त नमाज जुमा का दिन था, आका अलैहिस्सलाम मिंबर रसूल पर खड़े हुए थे और जब आप पर ये आयात का नुजूल हुआ, हुजूर ने जब इसको बयान किया तो आपकी सफ में मुगैरा नाम का एक मुनाफिक बैठा हुआ था। ओके। उठा और तलवार खींच दिया। सहाबाए कराम समझने लगे कि शायद हुजूर की तरफ आगे बढ़ेगा, सहाबा भी उठे और तलवार खींच दिए उससे मुकाबला करने के लिए वो मुनाफिक से, मगर वो हुजूर की तरफ नहीं आया, अपने घर की तरफ गया, पलट के बाहर निकला मस्जिद के। मस्जिद के बाहर निकला तो सहाबा पीछे पीछे तक गए, फिर कुछ तो ये बदमाशी करेंगा। जब देखे कि इन्हें कुछ नहीं कर रहा, जा रहा खामोश अपने घर को, तो खामोश फिर आ गए मस्जिद में। उन्हें घर को गया, जाके दरवाजे पे दस्तक दिया, माँ दरवाजा खोली, खोलते ही माँ की गर्दन पे तलवार रख दिया। पूछने लगा, माँ बता मैं किसका बेटा हूं? कुरान कह रहा है नबी की गुस्ताखी करने वाला हराम का नुतफा है, अपने बाप का नहीं किसी और का बेटा है। हलाली बेटा कभी नबी का गुस्ताख नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे भाई। ये अल्लाह का कलाम है, पैदा करने वाला रब खुद बयान कर रहा है। जैसे कुरान की 6666 आयतें हक है, खुदा की कसम ये आयत भी हक है। अल्लाह ही फरमा रहा है, उसने गर्दन पे तलवार रख दी, माँ से पूछने लगा, माँ बता मैं किसका बेटा हूँ। माँ पूछने लगती है, बेटे क्या बात है, तू बचपना पूरा गुजार दिया ये सवाल नहीं करा, जवानी का तकरीबन हिस्सा गुजार दिया ये सवाल नहीं करा, आज ये सवाल क्यों कर रहा है? कहा, माँ सारे सवाल बाद में, पहले ये सवाल का जवाब दे, मैं किसका बेटा हूँ, मेरा बाप कौन है। माँ ने जब सवाल में शिद्दत देखी तो एक जुमला कहती है साहब, जो हालांकि वो मुनाफिक की माँ थी मगर आजकल के कलमा पढ़ने वालों को कम से कम उसकी भी बात समझ में आ गई तो इन्हें नबी की गुस्ताखी से बच जाएगा। माँ पूछती है, बेटे कहीं तू मोहम्मद की मजलिस से तो नहीं आ रहा है? अल्लाह अकबर। बेटा पूछा, माँ तुझे कैसे मालूम है उनकी मजलिस से आ रहा हूं? क्योंकि बेटे तू जो सवाल कर रहा है ये गैब की बात है, ये छुपी हुई बात है, ये पर्दों में ठपी हुई बात है, और ये सवाल तू कर रहा है तो ये गैब की बात वही बता सकता है जिसका नाम मोहम्मद है, क्योंकि वो मोहम्मद गैब की खबरें जानते हैं। बेटे जरा बता, क्या तू उनकी मजलिस से आ रहा है? कहा, हाँ हाँ माँ, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम परवरदिगार की, मैं उनकी मजलिस से आ रहा हूँ, क्योंकि माँ उनके रब ने उन पर कलाम उतारा है और वह कलाम में ये कहते हैं नबी की गुस्ताखी करने वाला अपने बाप का बेटा नहीं, वो किसी और का बेटा है, वो नुतफ़े हराम है। अहले हदीसों की जो सऊदी से कुरान छपिया ही नहीं, वो उठा के देखो ना क्या लिखे मालूम, तर्जुमा इसका, हराम ज़्यादा है वो जो नबी की गुस्ताखी करता है। हराम ज्यादा लफ्ज लिखे लूंगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो। माँ ने पूछा, बेटे क्या तू उनकी मजलिस? बोले, हाँ माँ, मैं उनकी मजलिस से आ रहा हूं, उनके रब ने कलाम उतारा है और उसमें ये कह रहे हैं कि उनकी गुस्ताखी करने वाला अपने बाप का बेटा नहीं। तो माँ कहती है, बेटे फिर तू मोहम्मद की बात मान ले, क्योंकि तेरे बाप में इतनी सलाहियत नहीं थी कि मैं उसके जरिए से तुझको पैदा कर दी। मैं तेरे बाप को दोषा देने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तेरा बाप
जहाँ काम करता था वहाँ जा रही थी, रास्ते में एक चरवाहे ने मुझे छेड़ा, मैं उसकी छेड़ में शिकार हो गई और उससे मैंने मुलाकात की, तब जाके तू पैदा हुआ है। हकीकत में तू अपने बाप का बेटा नहीं है। कुरान भी गवाह है, कुरान का सुनकर तहकीक करने वाला भी गवाह है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का वास्ता, आपने, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो अपने हैं, ऐसे वैसे बातें करके अपने हरामी होने की दलील मत बनो। बात समझ रहे हैं आप? तुम दीवाने बातें नको करो, ऐसे वैसे बातें करे तो क्या होता, तुम्हारा कुछ भी नहीं होता, हमारे ऊपर देखना पड़ता, ऐसे गुना कहीं को करे जी अम्मा तुम पूछना पड़ता। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ मैं आपको। नबी की गुस्ताखी अच्छे बाप का बेटा अपने बाप का बेटा नहीं करता। कुरान मुहर लगा दिया ये मसले के ऊपर, नबी की गुस्ताखी करने वाला एक बाप का, शरीफ बाप का, अच्छे खून का, अच्छे घर का बच्चा नहीं हो सकता। देखो, घर में सर्टिफिकेट नहीं होगा निजामिया का, नो प्रॉब्लम, हर एक के पास होना जरूरी भी नहीं है। सब बन गए तो फिर मेरी तकरीर कौन सुनते? समझ रहे हैं बात? घर में जामे निजामिया का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, रगों में हलाली खून होना जरूरी है। अच्छा करा वसीम रजवी जितेंद्र बन गया, सो हो पाक हो गया इस्लाम, मुसलमानों का हलका पाक हो गया। क्योंकि ये गंदे कीड़े रहे तो क्या होता, इसको देख के और एक चुलके से कूने बता, इन्हें इतना बोला तो अपन भी बोल सकते, इतनी फेम मिल रही अपन भी बोलता हूँ बोलता था। दूसरे और है खतरनाक मार्केट में बैठे हुए उसके जैसे, उन्हें एक जाहिर होगा अभी अस्तिन के सांपा भूत है बगलों में छुपे हुए। हाँ मैं रियल बोल रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, आप हंसो ना को लोटो, मगर मेरी बात समझो आप। अच्छा वहां निकल गया सो दूसरे की हिम्मत टूट गई, अम्मा ज्यादा बोले तो अपन भी चले जाना पड़ता, उन्हें जितेंद्र बन गया अपने को धर्मिंदर बन जाना पड़ता बोलता है। बात समझ में आई? इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ये कीड़े को निकाल दिया, तो ये कीड़े को निकाला तो कम से कम ये कचपिंदे जो है चुलगुजे ये तो खामोश रहते, कम से कम मेरे नबी की गुस्ताखी नहीं करते, मेरे नबी की गुस्ताखी नहीं करते। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करो। आका हमारी जान है, आका हमारी जान है, हुजूर हमारा ईमान है, हुजूर हमारा ईमान है मेरे भाई, ईमान है हुजूर हमारा। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कैसा प्यार करो, बस एक बात सुनाता हूँ, बात पूरी समझ में आ जाएगी, हुजूर से प्यार कैसा करना। हजरत ज़ुबैर अशरय मुबशरा में से, हजरत ज़ुबैर बिन आवाम अशरय मुबशरा में से, अशरे मुबशरा तो आप जानते हैं, ये वो 10 मुकद्दस और बाबरकत हस्तियां हैं जिनको रसूल अल्लाह ने एक ही मजलिस में दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमा दी। जिनको जन्नत की बशारत दे दी गई, उस ज़ात अक़दस का नाम हजरत ज़ुबैर। वो हजरत ज़ुबैर एक मरतबा मैदान जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर सहाबा इकराम के साथ मैदान जंग में कुफार और मुशरिकीन का मुकाबला कर रहे हैं। दौरान मुकाबला हुआ क्या, कुफार की तरफ से मुकाबला करते 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 जंग चलते 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 एक वक्त ऐसा आया कि हजरत ज़ुबैर के सामने कुफार की तरफ से इनके वालिद आ गए, वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, वालिद आ गए। तो हजरत ज़ुबैर जवान हैं और उनके वालिद बूढ़े हैं। अब जवान और बूढ़े, बाप और बेटे का मुकाबला हो रहा मैदान जंग में, एक तरफ से कुफ्र है दूसरी तरफ से इस्लाम है, इस्लाम और कुफ्र का मुकाबला हो रहा। हजरत ज़ुबैर के सामने जैसे ही उनके वालिद आए मैदान जंग में, आवाजें बुलंद होने लगी कि देखते हैं बाप और बेटे में क्या होगा, बाप और बेटे का मुकाबला कैसे होगा। ये आवाजें बुलंद हुई, उधर से कुफार के घोड़े रुक गए, इधर से मुसलमानों के घोड़े रुक गए, यहाँ तक के
सहाबाए जलीलुल कदर अपने घोड़े रोक दिए, आमिना के लाल का घोड़ा रुक गया। हुजूर अब हजरत जुबैर को देख रहे हैं, हजरत अबू बकर हजरत जुबैर को देख रहे हैं, हजरत उमर हजरत जुबैर को देख रहे हैं, उधर से कुफार उनके बाप को देख रहे हैं। क्या होगा? दो तलवारें चल रही है, इधर से हजरत जुबैर वार कर रहे हैं, उधर से बाप वार कर रहा है। हत्ता के जवान बेटा अपने बूढ़े बाप पर गालिब आया, हजरत जुबैर के बाप की तलवार टूट गई, नीचे गिर गई। हजरत जुबैर को मौका मिला, आपने तलवार उठाई, इतनी जोर से अपने बाप पे तलवार चलाई कि सर के बीच में मारे तो ये तलवार ये जिस्म ऐसे चीरते हुए सीने तक उतरी, आधा जिस्म इधर गिर गया, आधा जिस्म इधर गिर गया। रसूल अल्लाह घोड़ा दौड़ा के आए, हजरत जुबैर को पकड़े, खींच के अपने घोड़े पे लिए, अपने सीने से लगाए, घोड़ा दौड़ा के उधर ले गए। नबी पाक ने जब हजरत जुबैर की तबीयत संभली तो आका ने फरमाया, जुबैर वो तुम्हारा बाप था, चाहते तो तुम किसी और से उनका मुकाबला करवा देते, खुद हट जाते। जरूरी क्या था कि तुम उसका मुकाबला करते? खुदा की कसम मुसलमानों, नौजवानों, हजरत जुबैर का जुमला सुनो। हजरत जुबैर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मुझे जब आपने कहा वो तुम्हारा बाप था तब मुझे ख्याल आया, हाँ वो मेरा बाप था, तब मुझे याद आया वो मेरा बाप था, वरना उस वक्त तक मैं उसे बाप की सूरत में नहीं मुस्तफा के दुश्मन की सूरत में देख रहा था। भाई साहब, ऐसी मोहब्बत करे सहाबा नबी से, ऐसी मोहब्बत करे नबी से, तब जाके इस्लाम यहां तक आया। सहाबा की जान निसारियों का हम खुदा की कसम, खून से भी अगर उनकी जान निसारियां लिखना चाहे तो तहरीर नहीं कर सकते। ऐसी अजीम कुर्बानियां दी है सहाबा इकराम ने इश्क मुस्तफ़ा में, मोहब्बत मुस्तफ़ा में, अदब मुस्तफ़ा में। आसमान पर इनकी तारीख लिखी जा सकती है, ऐसी तारीख खड़ा की सहाबा इकराम ने नबी की मोहब्बत में। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या बच्चों का खेल है अपने बाप पर तलवार चलाना? क्या बच्चों का खेल है अपनी बीवी पर, अपनी अजीज बीवी, अपनी महबूब तरीन बीवी जिससे दो बच्चे हो उसके सीने पर 70 वार करना, क्या बच्चों का खेल है? सही बात की है ना? फिर वो जो पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्स देने आए, फिर वो जो पूरी इंसानियत को खुदा की तरफ बुलाने आए हैं, वो जो अमन का पैगाम बनकर आए हैं, उन्होंने, ऐसी मुकद्दस हस्तियों ने, ऐसी पाक नफूस ने अपने बाप का अपनी बीवी का कत्ल करके दुनिया को बता दिया कि सारी कायनात की मोहब्बतें एक तरफ, आमिना के लाल की मोहब्बत एक तरफ। नबी ये था आज का इनका बयान। हमेशा जब वीडियो खत्म होती है चश्मा लग पड़ती हूँ उतारने की हेडफोन की जगह। अच्छा, यस। तो ये उन्होंने एक एग्जांपल आई थिंक दिया है इस चीज़ में, यानी कि जो नबी से किस हद तक जो है लोग मोहब्बत करते हैं ना, कि उन्होंने उस टाइम पे नहीं देखा कि ये जो मेरे बाप है सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के जो है दुश्मन है। एंड मतलब ये नूपुर शर्मा को आई थिंक जवाब नहीं था, ये मतलब ऐसे वीडियो में टाइटल लिखने के लिए लिखा था ना। हाँ, लेकिन वसीम रिज़वी को उन्होंने जरूर इसमें जिक्र किया है कि अच्छा वो चले गए एंड ये वो सो बाकी हमने इनके ऐसे बयान बहुत कम सुने जो कि बहुत ज्यादा सीरियस वाले होते हैं, पर इसमें भी थोड़ा थोड़ा फनी था, बीच में थोड़ा थोड़ा फनी दिया था। ये बताया उन्होंने कि नबी से प्यार करो और जो नबी के साथ गुस्ताखी करता है तो उसको मतलब छोड़ो मत, चाहे वो आपका अपना ही हो या ना। जैसे हमने एग्जांपल देखा, उन्होंने अपने बाप को बीच से काट दिया, वो कह रहा था मैं तो भूल ही गया था ये मेरा बाप है, ये तो आपने बताया, तो अगर क्या अदरवाइज मैं उसको नबी का दुश्मन समझ रहा था तो गुस्ताख के रसूल समझ रहा था। तो ये था नक्शबंदी जी का बयान। ऐसी और वीडियो सजेस्ट करते रहे और व्लॉग्स हमारा जरूर देखें, आज का व्लॉग जरूर देखना, आज का नहीं सॉरी जो कल आएगा मॉर्निंग, आज वाला तो हाई कमाल का, पर कल आएगा जो इसने काम किया है ना वो कल वाले ब्लॉग में बता चलेगा। सो बाकी तो फिलहाल गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।